श्रद्धा से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिवंगत श्री सुनील जत जी, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र स्वर्गीय, हम सभी एक साथ फैमिली की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सत सत नमन। सबको मेरा प्रणाम। ये एक छोटी सी ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे एक्स सचिव, एक्स एयरफोर्स एसोसिएशन के एक्स सचिव श्री सुनील जत जी, उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी और उनके स्वर्गीय पुत्र अभिषेक दत्त के लिए, हम सब एक सा फैमिली की ओर से। दोस्तों, हमारे दोस्त सुनील जत जी क्या थे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने अभी सभी दोस्तों से थोड़ी थोड़ी सी बातें करके उनकी खासियत के बारे में जाना है और वो क्या चीज़ थे वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे तो वो फाउंडर मेंबर हमारे एसोसिएशन के थे, बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक एंड सोशल। वो इतने फ्लुएंट थे लैंग्वेजेस में और दिल से जिससे भी बातें करते थे बहुत ही दिल से। मैं एक घटना के माध्यम से बताऊंगा मेरा और उनका क्या रिलेशन था, जिससे आप समझ पाओगे मैं क्यों उनके लिए दो शब्द बोलना चाहता हूं। दोस्तों, बात 1985 की है। मैं उस समय नया नया था ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर से, कर्नाटका एक्सप्रेस से 28 डेज का लीव घर आ रहा था और वाया मद्रास से आना पड़ता है क्योंकि कर्नाटका एक्सप्रेस वाया मद्रास दिल्ली को आती है। हम जैसे ही मद्रास पहुंचे हमारे बोगी में, वहां भी एयरफोर्स के जितने भी छुट्टी जाने वाले थे वो सारे मेरी बोगी में आ गए। काफी लोगों का रिजर्वेशन था, तो जब मेरे पड़ोस में एक बहुत ही स्मार्ट और एनर्जेटिक बंदा आया, उसने पूछा मेरे से, आप कौन और कहाँ जा रहे हो? वैसे तो नया नया आदमी जब आपस में मिलता है मैं तो जल्दी से बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी ऐसी आदत थी, उन्होंने इमीडिएट मेरे से पूछा आप कौन है। मैंने बताया मैं उत्तम गुसाई हूँ और देहरादून में रहता हूँ। इतना सुनना था कि उन्होंने फट से मुझे गढ़वाली भाषा में ही बातें करनी शुरू कर दी और उनकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा ये गढ़वाली है। लेकिन थोड़ी देर में देखा कि मेरा फ्रेंड जो कुमाऊं का था वो मिल गया, उससे उन्होंने कुमाऊनी में बात करना शुरू कर दिया, वो भी इतनी अच्छी फ्लुएंसी कि मैंने सोचा हो सकता है ये कुमाऊनी हो। लेकिन ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स पंजाबी भी थे तो उससे पंजाबी में बातें करने लग गए। ऐसे ही पूरी ट्रेन का सफर जो हमने मद्रास से दिल्ली तक किया वो लाजवाब था। उनके साथ कितना मजा आया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मुझको पता चला बाद में कि वो पंजाबी हैं, तो मैं शॉक्ड था कि इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतनी अच्छी फ्लुएंट, कहीं से भी कुछ लुक में भी पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सी भाषा के ज्ञाता है और कौन कौन सी भाषा जानते हैं। हिंदी इंग्लिश में तो एज इट इज उनको कमांड था ही। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिल पाया, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब मैं विजय थापा भाई साहब के घर गया तो उन्होंने मुझे उनकी वाइफ के बारे में बताया कि उनकी डेथ 30 मार्च 2015 को हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु 2019 में हुई। और परसों जब 25 को हमें पता चला कि उनके बड़े बेटे की हृदय गति हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, तो हमारा सारा एसोसिएशन स्तब्ध रह गया। कोई हमारे पास शब्द नहीं थे उनके परिवार के लिए। हम सब की सहानुभूति है और छोटे बेटे के लिए जो कि आर्मी में एक ऑफिसर है, मेजर रैंक का है, उसके साथ हम सब हैं। भगवान उसको इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है उसको सहने की ताकत दे।
और उस बेटे से हमारा वादा है, कभी भी कुछ भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो हम सब उनके साथ तत्पर हैं। उनके बारे में मैं क्या और बताऊं, मैंने हमारे केस्टवाल जी से बात किया जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, नोटियाल जी उनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और सुना है कि वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैंने हमारे चांद साहब से बातें की हैं और पूछा था तो सभी ने बताया कि ही वॉज अल्टीमेट। अभी तक हमारे एसोसिएशन में उनके बराबर किसी ने भी काम नहीं किया है। उनके बराबर जो एक मेलजोल रखने वाला था कोई भी नहीं है। हमने बहुत ही बड़े दिल वाले एक सोशल एनर्जेटिक ओजस्वी फ्लुएंट हमारे सचिव को खोया है, लेकिन हम उनके इन किए गए कार्यों को कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके द्वारा दिए हुए सारे राय आज भी हम अपने में संजोए हुए हैं। हमारे पूर्व सचिव को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जीएस चौहान साहब हैं वो उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने उनसे सचिव इसीलिए रखा होगा कि इतना एनर्जेटिक एक्टिव और हर से खुशी खुशी बातें करने वाला, उनके बराबर सोशली तो आज तक भी एज पर केस्टवाल जी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। हमें उनके इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एसोसिएशन को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाना है और उनके इन आदर्शों को हमेशा याद करना होगा। सुनील दत्त जी, आपने जो 85 में मेरे से बात किया था वो एक एक शब्द मेरे पास से और आपकी यादों के सहारे हम सब आपके पद चिन्हों को फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उनके इस गुणों को हम सब में बिखेरना है। देखिए आगे भी उनकी फोटोग्राफ्स और उनकी जिंदा दिली होने का मिसाल। ये हम ये सभी दोस्तों की हमारे पूर्व सचिव सुनील दत्त जी हमारे बड़े भाई साढ़े के लिए दिल से निकली हुई आवाज जो आप तक शायद पहुंच पाए। हम आपके दिए हुए मार्ग दर्शन को ही फॉलो कर रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, ये मेरी ही दिल की आवाज नहीं है, सब हम जितने भी मेंबर से सबकी दिल की आवाज आप तक पहुंचाना चाहूंगा। समय जिंदगी का कम होगा कहां पता था, विदाई आपकी अनअपेक्षित होगी वो कहां पता था, हर जगह खुशबू फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख गए। जिंदगी थी छोटी लेकिन ममता बहुत छोड़ गए, अकेले कोने में रो लेंगे जब आएगी याद, कभी कल्पना भी न कीजिए ऐसी आपकी आश्चर्यजनक विदाई ने हमारा दिल दहला दिया है। ईश्वर आप और आपके परिवार की आत्मा को शांति दे और आपका छोटा बेटा इतने बड़े जो लॉस हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। मैं वादा करता हूँ कि हम सब आपके परिवार के साथ और भविष्य में साथ ही रहेंगे और आपके दिखाए हुए पथ जो है उसको फॉलो करते रहेंगे। भगवान आपकी आत्मा को, आपकी धर्मपत्नी की आत्मा को और बच्चे की आत्मा को शांति दे। सुनील दत्त साहब, जिंदगी जीने का नाम है, आपने हमको सिखाया है जिंदगी कैसे जिया जाता है, आपने हमको बताया है सबके साथ कैसे मिलाया जाता है, आपने बताया है, आपने हमको हंसना सिखाया है,
आपने हमको हंसाना सिखाया है और हम सब चाहेंगे कि हम भी आपकी तरह एक कर्मठ, ओजस्वी और संगठन को संगठित करने की कला हम सब लोगों ने आपसे ही सीखी है। हम सब वादा करते हैं कि ये संगठन आपके बताए हुए पद चिन्हों पे चलेगा और ये बहुत ही अच्छा संगठन प्रूव होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपकी फ़ोटो देख के पहचान पा रहा हूँ आपका हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन होगा। ये चेहरे जो नेगी जी, रावत जी के मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप जो अभी इनके लेखन कार्य को देख रहे हैं एज ए सचिव की नज़रों से, मैं भी एज ए नॉर्मल में देख पा रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे कि भविष्य में हमारा ये संगठन कैसे चलेगा। थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन।